Hey guys, what's up? CNU सिलेबस प्रपोज स्कीम अब इंस्टीट्यूट ने पब्लिक कर दिया है और इट इज नाउ अवेटेड फॉर रिकमेंडेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो आप सब अभी इस शॉर्ट वीडियो में समझ लीजिए कि CNU सिलेबस में क्या चेंजेस आ रहा है और उसका असर हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा और नए स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा, और कुछ खास बातें जो ये न्यू सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आप अगर CA पास कर चुके हैं तो भी ये वीडियो सुनिए, जिससे कि आप जूनियर्स को गाइड कर सकें। अगर आप CA में हैं तो भी सुनिए, जिससे आपको इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आपका क्या हो सकता है वो समझें। और एट द सेम टाइम अगर आप अब CA करने जा रहे हैं तो भी आप इसको सुने, जिससे आपको समझ में आए कि अब न्यू सिलेबस में क्या क्या है। तो सारे मुद्दे की बातें और सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। सो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो न्यू सिलेबस आया है वो प्रपोज स्कीम में भी अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये जस्ट एक प्रपोजल पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल किया गया है, जिसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। आप लोगों के व्यूज़ और भी कलेक्ट किए जाएंगे। आपको अपने व्यूज़ देने हैं तो आप इंस्टीट्यूट को एक ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं और उसमें आप अपना व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपके व्यू पॉइंट्स को ज़रूर सुनेगा। सबसे पहला चीज़ है कि करेंट और प्रपोज्ड में देखिए, पहले फाउंडेशन होता था, इंटर होता था, फाइनल होता था, अभी भी नाम वही है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन को एंट्री लेवल बोल सकते हैं। पहले 4 पेपर था, अभी भी 4 पेपर है, बट पहले 6 सब्जेक्ट था, अभी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। इंटरमीडिएट में पहले 4-4 करके दो ग्रुप होते थे तो 8 पेपर थे और उसमें 11 सब्जेक्ट थे, क्योंकि जैसे EIS और SM इकट्ठा था, FM और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस इकट्ठा था, तो उस तरह से अभी इंटरमीडिएट में आपके 8 सब्जेक्ट कंप्राइजिंग इन 6 पेपर होने वाले हैं। कौन कौन से 6 पेपर आएंगे वो भी आपको बता देंगे, और फाइनल में भी इसी तरीके से 8 के जगह 6 पेपर हो गए हैं। और नया एक चीज़ आ गया है, वो है 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग। यस, ये आपने सही सुना, ये एकदम नया कुछ आ गया है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले फाउंडेशन लेवल में 4 सब्जेक्ट जो थे, पहले अकाउंट्स बोलते थे, अभी भी अकाउंट्स ही है, नाम चाहे जो भी हो, पहले बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग था, तो अब सिर्फ बिजनेस लॉ है, कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग हटा दिया गया। फिर बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स था, वो एज इट इज़ है, बस उसका नाम चेंज किया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके अंदर भी वही 3 चीज़ें जो पहले था। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज था और अब सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई ही किया है, तो वी शुड एम्ब्रेस द चेंज, राइट। हमेशा चेंज के प्रति हमारा मनोविज्ञान जो रहता है वो रहता है रेजिस्टेंस, हाँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बट रेजिस्टेंस की जगह अगर आप एम्ब्रेस करते हो, खुले दिल से उसका स्वागत करते हो, तो वो चेंज और ज़्यादा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो फाउंडेशन लेवल में 4 पेपर थे, अभी भी 4 पेपर हैं। एग्जामिनेशन साल में 2 होते थे, अभी भी 2 रहेंगे, बट बाद में बोल रहे 3 कर देंगे आफ्टर सिस्टम्स आर इन प्लेस। मीडियम इंग्लिश और हिंदी जैसे था वैसे ही है, असेसमेंट का मेथड भी जैसे था वैसा ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके लिए मिथ चल रहा था कि सब ऑनलाइन हो जाएगा, बट ऐसा भी कोई चेंजेस नहीं लाया गया। एडमिशन पहले क्लास 10 के बाद CA में हम लोग घुस जाते थे, अभी भी क्लास 10 के बाद ही CA में घुस सकते हैं। अपीयर करने के लिए आप क्लास 12 पास करके ही अपीयर कर सकते हैं, अपीयर इन फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12 एंड रजिस्टर्ड विद BOS ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। तो वो वैसा का वैसा ही है, अपीयर इन फाउंडेशन आफ्टर अपीयरिंग क्लास 12 एंड कंप्लीटिंग मिनिमम स्टडी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जाम इज हेल्ड। इसमें कोई उतना बहुत बड़ा वो चेंजेस नहीं है, नॉर्मली जैसा था वैसा ही है। मतलब बेसिकली स्टडी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूट में जब एग्जामिनेशन फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आपकी एग्जाम मान लीजिए मई में होती है फॉर एग्जाम्पल, तो 4 महीना पहले आपको फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लेना है इंस्टीट्यूट में कि अब मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ।
तो उन लोग एक डेट निकालते हैं, वो पहले भी था और अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब उससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। वो पहले भी हम लोग जैसे दिसंबर में रजिस्टर करा लेते थे, अगर मई में एग्ज़ाम होता था तो, जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीना खाली मिले और मई में एग्ज़ाम दे सकते थे, वैसे ही सेम सिस्टम है। दिसंबर में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आप मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। रजिस्ट्रेशन में पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप रजिस्ट्रेशन करा लें और कभी भी कितना बार भी एग्ज़ाम देते रहे। अभी यहाँ पे बोल रहे 4 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक नया चीज़ है कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है। मतलब पहले क्या था कि फाउंडेशन पास नहीं हो रहे हैं तो भाई देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ जब तक मन करे, बट अब 4 साल में अगर नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये रिन्यूएबल नहीं है। पास परसेंटेज पहले 40% इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट था, बट अभी बोल दिया है 50% इन ईच पेपर, और हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग ऑफ एमसीक्यूज होंगे। हर पे जहाँ जहाँ एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज इन पेपर 3 और 4 आते हैं, पेपर 3 4 एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, तो उसमें 25% नेगेटिव मार्किंग भी होगा, और पास मार्क को उठा के थोड़ा सा 50% कर दिया गया। तो ये एक थोड़ा सा संगीन चेंज है। थोड़ा सिंसियरली बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट 4 साल तक आपको मौका दे रहा है, पास करके तो आगे बढ़ो, नहीं तो हट जाओ। इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तो पहले था अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों मिलके अब बन गए एक पेपर, एडवांस अकाउंटिंग। तो पहले दो ग्रुप में अलग अलग पढ़ते थे आप, अब एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, उसमें सिर्फ कर दिया कॉरपोरेट लॉज, अदर लॉज को हटा दिया गया। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, टैक्सेशन मेंटेन कर रहा है, ऑडिटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के साथ कोड ऑफ एथिक्स भी एक एक्स्ट्रा में डाल दिया गया। ऑडिटिंग जैसा है वैसा ही रहेगा, कोड ऑफ एथिक्स आ गया। फिर ई आई एस एस एम था, उसमें से ई आई एस को हटा दिया गया, दिस हैज़ बिन रिमूव्ड। ओके, उस एस एम को रख लिया गया, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को हटा दिया गया, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर एक पेपर बना दिया गया जिसका नाम है एफ एम और एस एम। तो दिस इज अ गुड चेंज। आई वुड अप्रिशिएट दैट इंस्टीट्यूट हैज डन समथिंग गुड फॉर स्टूडेंट्स। ई आई एस ऐसे ही निकलने का बहुत मुश्किल होता है, और इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है उसमें कि ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ और ही बन रहे हैं। तो उसको हटा दिया इंस्टीट्यूट ने, लेकिन बच्चे नेचुरली सीख लेंगे एनवायरमेंट में आएंगे तो। और एसएम पढ़ना चाहिए, बिकॉज एसएम से बिजनेस कैसे चलाना, ओवरव्यू आपको समझ में आता है, बिजनेस सेंस समझ में आता है। जो आज एक सीए हैं वो खाली अकाउंट्स फाइनेंस तक सीमित नहीं है, उसको बिजनेस चलाना भी आना चाहिए, इसलिए एसएम का ज़रूरत आपको है। तो एफएम और एसएम मिला के 100 मार्क का है। पहले एफएम और इको था, अब एफएम और एसएम आ गया है। सो एक तरह से अदर लॉज थोड़ा से कम कर दिए गए, अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया, और आप देखिए ईआईएस को हटा दिया गया। नाउ बच्चे क्या होते हैं ना, जिनका ईआईएस एसएम में भी पास नहीं हो रहा, वो आप में खलबली हो रहा होगा, अरे अरे बहुत अच्छा हुआ, चलो अब कब से हट गया कब से हट गया, मैं उसी में एग्जाम दूंगा। पेशेंस रखो, पूरी बात करेंगे, भी पूरा सुनो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ऐसे अभी हड़बड़ हड़बड़ में कुछ नहीं हो सकता है, ये सब प्रपोज स्कीम है, भी पूरा समझो। फिर इंटरमीडिएट में समराइजेशन ये कि 8 पेपर में 6 हो चुका है। पार्शियली ऑब्जेक्टिव पार्शियली सब्जेक्टिव था, वो वैसा का वैसा है। अब 30 नया चेंज एक और है कि 30% केस सिनेरियो और स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हर पेपर में आएगा। जो पहले सिर्फ गिने चुने पेपर में आता था, अब हर पेपर में आएगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग भी होगा। किसी भी सब्जेक्ट में बुक ले जाके एग्जाम नहीं दे सके, मतलब ओपन बुक एग्जाम नहीं, क्लोज बुक एग्जाम है। अब एग्जाम कैसे होगा, ये इंस्टीट्यूट ने ना थोड़ा सा हम लोग के लिए भी ये थोड़ा सा भी है ना ओपन रख दिया है कि ये कैसा होगा, एज डिसाइडेड फ्रॉम काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि पूरा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, दिस इज स्टिल नॉट क्लियर। बट द थिंग इज, देखते हैं क्या होता है। ये क्लोज बुक है, 6 पेपर है, सो फाउंडेशन और इंटर को देख के ऐसा लग रहा है अच्छा है, चलो सिंप्लीफाइड है। बट ये 30% एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा स्टेप है। स्टूडेंट्स के को ध्यान देखना चाहिए कि हल्के में पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज वगैरह अभी भी जो आते हैं ना एग्जाम में, वो इतने आसान नहीं आते हैं कि आप बस जाके बैठ जाओ और हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए रिगरस पढ़ाई करनी पड़ती है, कंसेप्ट बहुत क्लियर करना पड़ता है, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये 30% मतलब मेक मेक और ब्रेक वाला चीज हो सकता है आपके लिए।
तो ये देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या होगा। और इसमें आपको पता है इंटर में दो रूट होता था आने का, एक फाउंडेशन रूट होता था और एक डायरेक्ट एंट्री रूट होता था। पहले डायरेक्ट एंट्री रूट से आने के लिए 9 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप कंपलसरी था, तो एक बहुत बड़ा पेन हो जाता था। डायरेक्ट रूट से आ रहे तो 9 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप करो और फिर आर्टिकलशिप के साथ साथ इंटर की पढ़ाई करो, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर हम लोग इंटर का एग्ज़ाम देने जाते थे। और 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप में ना फिर वो एम्प्लॉयर्स भी रेडी नहीं होते थे रखने के लिए। लोग बोल एम्प्लॉयर्स भी बोलते थे कि अरे 9 मंथ्स में फिर ब्रेक लेगा, ये करेगा वो करेगा, इससे अच्छा हमको 3 ईयर्स वाला पूरा कंप्लीट आर्टिकल चाहिए। बहुत लोग अच्छे फॉर्म में नहीं लेते थे। तो इसका एक अच्छा इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे दिया कि डायरेक्ट एंट्री रूट में अब वो 9 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और इनफैक्ट आपको उसमें बस क्राइटेरिया डाला कि कॉमर्स स्टूडेंट है तो 55% पास मार्क आपका होना चाहिए और अदर ग्रे स्ट्रीम्स हैं तो 65% पास मार्क होना चाहिए इन इन योर ग्रेजुएशन, एंड आप CMA या CS इंटर पास हैं तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हैं। जस्ट आप डायरेक्ट एंट्री रूट में घुसेंगे, 8 महीने का स्टडी पीरियड आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी 8 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि 8 महीना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, तो मार्च से अक्टूबर होता है 8 महीना, तो फेबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे अगर आप, तो आप नवंबर एग्जाम में एलिजिबल हैं विदाउट एनी आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप करने का जो अड़ंगा था 9 महीना उसके बाद एग्जाम देना था, तो वो चीज़ अच्छा कर दिया गया। तो अब बीकॉम से बहुत सारे बच्चे लोग डायरेक्ट एंट्री रूट में CA का एग्ज़ाम देने आ सकते हैं। और इवन जो CMA CS भी करते हैं, अगर उनको भी CA करने का मन हो तो वो आर्टिकलशिप का जो एक बैरियर टू एंट्री था इंटर देने के लिए, एटलीस्ट वो बैरियर टू एंट्री को रिमूव कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। तो आप इंटर तो आराम से दे सकते हो, फाइनल की बात अलग है, बट वहाँ से भी इंटर आराम से CA का पास कर सकते हो। तो ये एक भी एक अच्छा चीज़ हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चेंज को देखकर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन 2 था, बोल रहे बाद में 3 करने का विचार है बट अभी बोल नहीं पा रहे हैं। और रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट कुछ नहीं थे बट यहाँ पे यस रीवैलिडेशन करना पड़ेगा विथ परमिटेड फी वंस आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में अगर इंटर पास नहीं किए तो एक बार री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पैसे देकर, फिर वो अलाउ कर देंगे वापस 5 साल के लिए। मतलब अलाउड है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट देना, कौन देना चाहता है। खैर, पासिंग मार्क जैसा था 40% और 50% वो वैसा का वैसा ही है। 40% और 50% जैसा इंटर में भी चलता था कि इंडिविजुअली 40, ओवरऑल 50%, वैसा का वैसा ही है। और एक है कि इफ स्टूडेंट सिक्योर 60% तो आपको एग्जेम्पशन मिलता था। तो एग्जेम्पशन में थोड़ा सा चेंज किया गया कि पहले क्या था, 60% अगर आपको मिल जाता था तो वो 3 अटेम्प्ट तक अलाउड होता था, बट उसके बाद जो बचे हुए पेपर थे उसमें आपको 40% मार्क्स लाने पड़ते थे और ओवरऑल एग्रीगेट में 50% लाना पड़ता था। बट अभी एक कंडीशन डाल दिया गया कि अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो तो बचे हुए पेपर है तो उसमें 50% आपको लाना पड़ेगा इन द रिमेनिंग पेपर इंडिविजुअली। दिस इज अ न्यू चेंज। अगर चाहो तो ऑफकोर्स एग्जेम्पशन आप सरेंडर कर सकते हो, पहले भी ऑप्शन था कि एग्जेम्पशन आप सरेंडर कर सकते हो। तो ये एक नया चीज आ गया। पहले क्या था, एग्जेम्पशन ले लेने के बाद 3 3 टर्म तक वैलिड है बट बाकी के पेपर में 40 ईच और ओवरऑल सब मिला के 50% होना चाहिए था। बट अब अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे तो बचे हुए सब्जेक्ट में 50% आपको कम से कम लाना पड़ेगा, ओवरऑल से कोई मतलब नहीं है। एग्जेम्पशन का जो नॉर्म्स है उसमें इंटर और फाइनल दोनों में ये चेंजेस आया है। एंड द बिगेस्ट चेंज, यस गाइज, इट इज इन फाइनल्स। फाइनल्स में 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्ट के जगह अब हो गया है 6 सब्जेक्ट। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 6 नहीं हुआ है, ये बन गया है टू बी वेरी फ्रैंक 10 सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे गोली दे दी है हमने, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें। ठीक है, इसमें गोली 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 बोलते हैं ना, गोली 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 हो गया। कैसे, देखो FR तो अपने जगह पर है, SFM का नाम बोल रहे स्ट्रेटेजिक से हटा के एडवांस कर देंगे, ठीक है चलिए। तीसरा ऑडिट में जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। लॉ में देखो 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 बोल रहा है एक ऑनलाइन मॉड्यूल बना दिया है, उसको अपने हिसाब से पढ़ के कभी भी पास कर लेना। पढ़ना तो पड़ेगा और पास तो करना पड़ेगा, ठीक है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। फिर SCMP, यस हमारा सब्जेक्ट, चलो अच्छा ही है।
बच्चों का लोड कम हुआ, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि देखा जाएगा आगे अपन जो करेंगे करेंगे, अच्छा करेंगे। हम SFM भी पढ़ाते हैं यार, SFM पढ़ाएंगे क्या दिक्कत है। SFM का रिव्यू हमारा SCMP से ज़्यादा अच्छा आता है, तो SFM पढ़ाएंगे उस पर कोई बात नहीं है। और SCMP हटानी है, बहुत लोगों के मन में ये आ रहा था, मेरे पास उड़ते उड़ते आ रहा था, सर SCMP सुन रहे हट गया तो हम क्या पढ़ाई छोड़ दे, अभी बीच में छोड़ दे। बच्चों को तो बस चाहिए ना कि अरे ये हट गया हम अभी बीच में पढ़ाई छोड़ दे, ये इसमें मेरा प्रॉब्लम अभी पढ़ाई छोड़ दे। ऐसा मैं कर दूँ क्या सर, अभी कभी छोड़ दूँ क्या, मैंने न्यू सिलेबस में आगे कंटिन्यू करूँ, ऐसे नहीं होता है। आप वेट करो, पूरा बात सुनो, ठीक है। अभी पहले समझ लो यहाँ पे क्या प्रपोजल है, पहले फाइनल में क्या हो रहा है। ये दो सब्जेक्ट नाम का बोलता है हटा दिया और शिफ्टेड टू ऑनलाइन मॉड्यूल, एक तरह से वो रह गया, हटा तो नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया तो उसका एग्जाम होगा, अब वो एग्जाम किस तरह से होगा, फिजिकल होगा कि कंप्यूटराइज्ड होगा, दैट इज नॉट येट क्लियर, सो विल फाइंड आउट, विल वेट फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। फिर डायरेक्ट टैक्स वैसा ही, इनडायरेक्ट टैक्स वैसा ही है, तो बोलने के लिए 6 कर दिया बट ऑनलाइन मॉड्यूल के कारण 8 है, और ऑनलाइन मॉड्यूल 4 हैं, 2 नहीं है, तो सब्जेक्ट बन गए 8 के 10। हाँ जी, आपने सही सुना। उसके अलावा बोल रहे एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बी इंटीग्रेटेड विद द करिकुलम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एट द फाइनल लेवल। जो एथिक्स की बातें, IT की बातें, वो हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उसका एक चैप्टर कुछ रहेगा। और एक जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था उसमें ऑप्शंस दिए गए थे 6 A B C D E F, तो उसमें से बोल दिया है इंस्टीट्यूट ने हम मल्टीडिसिप्लिनरी को जिंदा रखेंगे, और वो कंपल्सरी कर दिया, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन बोल के पेपर बना दिया, जिसमें कि आपसे अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, GST, ठीक है, इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि SCMP का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको भी यूज करेंगे, और एक ऐसा केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर बना के पूछेंगे जिससे आपको एक में सारा का ज्ञान मिले। तो वैसा ये था पहले, बट उसको भी और एडवांस किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि अभी जो मल्टीडिसिप्लिनरी आता था उसमें SM का क्वेश्चन कम होता था, FR और टैक्सेशन, GST, ऑडिट, ये क्वेश्चन ज्यादा होते थे, तो अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप देखिए जो ये सब था, ठीक है, 1 6A 6B 6C 6D 6C, ये सब को लेकर एक ऑनलाइन मॉड्यूल बना दिया गया, इनमें से आपको एक चूज कर लीजिएगा, और एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल दे दिया गया जो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऑनलाइन में 4 आ गया। ऑनलाइन मॉड्यूल मतलब आपको वो अपना मेन एग्जाम के पहले पास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि वो बस ऐसे ही जाग गएंगे और हवा में निकल जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट इज, ये प्रपोज स्कीम में 6 पेपर आ गए, एक तरह से अच्छा है कि चलो लॉ का प्रेशर कम हुआ, बट लॉ में इको लॉ ऑनलाइन मॉड्यूल में चला गया, SCMP का प्रेशर कम हुआ बट वो ऑनलाइन मॉड्यूल में चला गया, ठीक है। तो कम हुआ कि नहीं हुआ वो तो वक्त से पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उसके सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का होगा, कैसे मार्किंग होगा, पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, पूरा MCQ होगा कि उसमें भी कुछ टाइप करना पड़ेगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो वक्त वक्त बताएगा। बट इलेक्टिव में क्या हुआ ना, ये जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से भी एक पेपर देना पड़ेगा ऑनलाइन मॉड्यूल में, और एक नया पेपर आ गया बीच में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखना, पहले 8 था, अभी बोलने के लिए 6 पेपर है, ये मैं नहीं मानता हूँ 6 रहा, 6 + 4 ऑनलाइन मॉड्यूल तो 10 हो गए, +4 ऑनलाइन मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है, तो इस तरह से 10 हो गए। हाँ, ये एक चीज आ रहा है कि यहां पर बोल रहे हैं कि सारा का सारा सब्जेक्ट ओपन बुक हो गया है, ये गजब का एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सारा का सारा सब्जेक्ट ओपन बुक हो गया है, यस। और उसके बाद बोल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग वगैरह और कैसे होगा वो बाद में बताएंगे, वो सब वही है, बट MCQ हर एक में आएगा, इन ऑल पेपर्स 30% MCQ रहेगा और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ऑल मतलब ऑल 6 जो अभी MCQs आपके थ्योरी पेपर्स में रहते थे,
अब वो आपके 6 के 6 पेपर में आएंगे, तो हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू तैयारी आपको करनी पड़ेगी। पहले फाइनल का एग्जाम आप आर्टिकलशिप करते थे तो 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल थे, और उसके बाद आप एग्जाम देके 6 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप और कंटिन्यू कर रहे थे। इससे क्या होता था, आर्टिकलशिप का रिदम में एक ब्रेक लग जाता था, 2.5 साल के बाद बच्चा बोलता था कि मेरे को तो छुट्टी चाहिए, वो लीव बहुत लंबा ले लेता था ऑफिस से, फिर वापस जाके जब सर्व करता था तो फिर परेशानियां होती थी। तो उसको क्लियर करने के लिए कमिटेड 2 ईयर का आर्टिकलशिप आपको करना पड़ेगा, कमिटेड 2 ईयर्स का आर्टिकलशिप आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम देने जा सकते हो। तो इस पे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा मैं आपको एक प्लान बताऊंगा अभी, आप पूरा पहले ख़त्म करने दीजिए मेरे को, कि जब 2 साल का आर्टिकलशिप के बाद ही आप फाइनल दे सकते हो तो उसका एक इम्पैक्ट है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल, तो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और सिस्टम क्या है कि आपको पहले दोनों ग्रुप पास करके ही आर्टिकलशिप स्टार्ट करना है इंटर का। पहले क्या था कि आर्टिकलशिप आप एक ग्रुप से भी स्टार्ट कर लेते तो क्या होता था, फिर रिदम टूट जाता था, दूसरा ग्रुप देने एग्जाम देने के लिए लीव चाहिए, एग्जाम के लिए लीव चाहिए। वो समस्या से दूर होने के लिए आपको दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही इंटर देना है। सेकंड नंबर, आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले, आपको क्या कहते हैं, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना है, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट हो चाहे वो फाउंडेशन रूट हो, सबके लिए नियम एक ही होगा, और उसके बाद 2 साल तक लगातार आपको आर्टिकलशिप करना है। उस 2 साल के पीरियड में बहुत काम है, मैं आपको बताऊंगा उस 2 साल के पीरियड में क्या क्या काम है। उसके बाद आपको ऑफिस से लीव मिलेगा और आप अपना एग्जाम देते रहो। मतलब ये आर्टिकलशिप पीरियड में आपको वो स्टडी लीव 3 महीना का 4 महीना का 6 महीना का कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए। बट उस 2 साल में फिर भी बहुत सारे और भी काम हैं। मैक्सिमम छुट्टी आपको साल का 12 दिन, 2 साल का 24 दिन मिलने वाला है, यानी 2 महीना हुआ मैक्सिमम छुट्टी। मतलब दैट हैज टू ऑल्सो ऑफकोर्स कवर योर अदर सोशल कमिटमेंट्स एंड योर हेल्थ, है ना। तो उससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आप वो सब छुट्टियां नहीं लिए तो 2 महीना का लीव आप लास्ट में क्लेम कर सकते हो। बट उस 2 साल का पीरियड में बहुत सारा काम है, 4 ऑनलाइन मॉड्यूल है, 4 ऑनलाइन मॉड्यूल आपको पास करना है। उस 2 साल पीरियड में एक आपको एडवांस ITT का प्रोग्राम अटेंड करना है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर एडवांस ITT के लिए छुट्टी लोगे ना तो 24 दिन तो ऐसे ही कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। वो इंस्टीट्यूट बताएगा कि एडवांस ITT के लिए अगर आपने छुट्टी लिया है तो वो आर्टिकलशिप पीरियड में काउंट होगा कि नहीं होगा, इंस्टीट्यूट बताएगा बाद में। बट अभी आपको ये समझना है कि 2 साल पीरियड में एडवांस ITT करना है और 4 ऑनलाइन मॉड्यूल पास करना है। उसके बाद छुट्टी लीजिए, पूरा आर्टिकलशिप से विदा लीजिए, फिर आप अपना बाकी 6 सब्जेक्ट का तैयारी करिए, और उस 6 सब्जेक्ट का तैयारी करने के बाद आप अपना फाइनल दीजिए। तो दिस इज द न्यू कल्चर दैट वी हैव टू एम्ब्रेस, न्यू सिस्टम ऑफ स्टडिंग CA फाइनल। इंटर में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, इनफैक्ट अच्छा लग रहा है कि चलो आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा कम दिख रहा है, चलो वो डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए यार आर्टिकलशिप करते करते पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो 8 महीना फोकस पढ़ाई कर सकता है। तो इंटर में बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लगा, बट फाइनल में काफ़ी घमासान युद्ध दिख रहा है कि जो आर्टिकलशिप पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो OTT करके स्टार्ट करते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का जो वक्त है उसमें पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ ट्यूशन 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 लेते थे और बीच में हम लोग वो एडवांस ITT का प्रोग्राम कर लेते थे, तो वो उसमें भी पीरियड था 2.5 साल, 2.5 ईयर्स का पीरियड था, उसमें भी लास्ट का हम लोग 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना तक स्टडी लीव भी लेते थे, 3 महीना से 6 महीना तक का पीरियड में मिलता था। तो अभी क्या होने वाला है, वो 2 साल का पीरियड में आप लीव का एक्सपेक्टेशन मत करो, बहुत कम मिलेगा आपको, ऑफिशियली बोल दिया नहीं मिलेगा। सेकेंड नंबर, उस 2 साल में 4 ऑनलाइन मॉड्यूल हैं, उसको पास करना पड़ेगा। उस 2 साल का पीरियड में एक और ITT करना पड़ेगा। अब उसके अलावा आप बोलेंगे कि मैं कोई सब्जेक्ट भी तैयार करूँ, ऑफकोर्स करना ही चाहिए, वो 6 सब्जेक्ट में से भी कोई एक आध दो सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा आपको घर पे, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन बाद में थोड़ा कम लगे। अब ये देखिए, वक्त रहते पता चलेगा कि वो 4 ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उसको पास करने के लिए कितना पढ़ाई का जरूरत है।
हो सकता है वो एक एक महीना का पढ़ाई में हो जाए तो 4 मॉड्यूल 4 महीना में हो जाए, हो सकता है वो 2-2 महीना का पढ़ाई लेगा गया। उसका सिलेबस कितना है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, सारा खेल उसी के ऊपर है। तो 4 ऑनलाइन मॉड्यूल पूरा 2 साल खाएगा कि 4 महीना खाएगा कि 6 महीना खाएगा कि 1 साल खाएगा, दिस इज येट टू बी आंसर्ड। ठीक है, तो वो जैसे सिलेबस रिवील होगा ना तब हम बता पाएंगे आपको। अभी तो 2 एग्जाम है, बाद में बोल रहे हैं 3 एग्जाम दे देंगे। 3 एग्जाम देने से क्या फायदा होता है, बस जो रिपीटर्स होते हैं जो 6 6 महीना फिर बैठे रहते हैं उसके जगह उनका जिंदगी थोड़ा सा 3 महीना फास्ट हो सकता है, और कुछ नहीं है। और 10 साल बाद आप रिवैलिडेशन करा सकते हैं, मतलब ठीक है, फीस फीस चाहिए इंस्टीट्यूट को, ये सब पहले दे देंगे हम लोग। पास मार्क्स जैसे था वैसा ही है, 40% 50%, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस एमसीक्यू का नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखना है कि एक रॉन्ग होगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा। और एग्जेम्पशन के लिए वही नॉर्म है कि रिमेनिंग पेपर में 50% लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये ऑनलाइन मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। सिंस द नंबर ऑफ पेपर्स आर बीइंग रिड्यूस्ड बाय 2 ईच एट इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोड ऑन स्टूडेंट। हाँ, वहां से कम किया तो यहाँ चढ़ा दिया। 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स एनकंपासिंग डिफरेंट फील्ड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड। इट वुड कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट्स विच स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट एंड क्वालिफाई एट देयर ओन पेस आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट लेवल। ओन पेस बोलने से होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। स्टूडेंट हैज टू क्वालिफाई दिस ऑनलाइन मॉड्यूल्स फॉर टेकिंग फाइनल एग्जामिनेशन एज द नेम सजेस्ट। इसका स्टूडेंट कैन लर्न एंड क्वालिफाई एट देर ओन पेस आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरमीडिएट। मिनिमम पास मार्क उसमें 50% है। दिस मार्क्स विल नॉट बी एग्रीगेटेड विद द मार्क्स ऑब्टेंड इन कोर पेपर्स फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। इसको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें 50% आपको लाना है, 50% लाना है, फिर आप आगे बढ़ जाओ। सच क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन वुड इनकलकेट क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेट रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच दे एनकाउंटर इन देयर प्रैक्टिस एम्प्लॉयमेंट वंस दे क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल्स क्या है? सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल में देखो 4 सेट बनाए हुए हैं। एक इको लॉ कंपल्सरी है जो आपका लॉ से हटाया गया, कॉरपोरेट लॉ को पूरा इंटर में शिफ्ट कर दिया गया। कॉरपोरेट एंड इको लॉ था ना, वो कॉरपोरेट लॉ पूरा इंटर में, इंटर का कुछ लॉ फाउंडेशन में जाएगा, फाइनल का कुछ लॉ इंटर में आएगा कॉरपोरेट लॉ। और इको लॉ जो उसका अदर लॉज का पार्ट था वो इलेक्टिव में भी था, वो सब मिला के एक ऑनलाइन मॉड्यूल बना दिया है। एस सी एम पी सब्जेक्ट एस एम तो आप इंटर में प्रॉपर पढ़ ही रहे 50 मार्क्स के लिए, और फाइनल में एस सी एम पी सब्जेक्ट एक नाक में दम था सबके, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, बट थोड़ा तो रिलीफ होना चाहिए कि वो लंबा लंबा केस स्टडीज के जगह छोटा छोटा सिनेरियोज से कंसेप्ट कैप्चर कर लिया जाएगा, तो थोड़ा तो रिलीफ होना चाहिए। बट उसके साथ देखो 2 मॉड्यूल और जोड़ दिया गया है, स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल और मल्टीडिसिप्लिनरी मॉड्यूल, जिसमें से आपको चुनना पड़ेगा। जैसे इको लॉ में तो क्या क्या एक्ट है, फेमा है, बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, सरफा है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, रियल एस्टेट एक्ट है, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है। और एस सी एम पी का अंदर का कुछ कोर्स अभी मालूम नहीं है, शायद सेम ही होगा वो। उतना बड़ा कोर्स को कैसे एम सी क्यू में कन्वर्ट किया जाएगा वो देखना पड़ेगा, हो जाएगा बिकॉज सीमा का जो एग्ज़ाम है ना वो पूरा ऐसे ही था, तो पॉसिबल है एम सी क्यूज के माध्यम से भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा। वो नॉर्मल क्वेश्चन में भी 4 पार्ट पूछा जा सकता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है एम सी क्यूज में। कैसे पूछा जाएगा वो पेपर सैंपल्स आएंगे तब पता चलेगा। और सेट सी और डी में देखो क्या है ना, इतना सारा ऑप्शन दे दिया है कि इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे रिस्क मैनेजमेंट पहले भी था, ये पहले भी था, फिर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये एफ आर का एक पार्ट था, ठीक है, तो उसको लेकर है। फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस एक नया चीज़ डाल दिया है। फिर डिजिटल इकोसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक नया चीज़ डाल दिया है। इंटरनेशनल टैक्सेशन पहले भी था, आर्बिट्रेशन ये लॉ का पार्ट होता था, फॉरेंसिक ऑडिट अच्छा एक नया चीज़ आ गया है, मतलब ये सीखने का बनता है अगर आप एज अ सी एफ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। फॉरेंसिक ऑडिट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत पहले पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स में होता था। वैल्यूएशन भी एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता था जिसको आपको एक ऑनलाइन मॉड्यूल के बहाने सीखने को मिल रहा है, तो दिस इज रियली गुड, आई अप्रिशिएट
ये दो ऑप्शन दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट पहले भी था, वैल्यूएशन नया आ गया, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट जो आपका इस एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद फॉरेक्स है उसी को ही और खींचेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि यू नो फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता है वैल्यूएशन कोर्स जो आप लोग एफ आर में सीखते हो ना उसी का ही थोड़ा सा और एग्जैजरेटेड वर्जन यहाँ पे आएगा। और एक ये नया ही कुछ एक डाल दिया देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे एक पार्ट है पढ़ लो, जो सीएस करेंगे साथ में उनके लिए तो लॉटरी हो गया। साइकोलॉजी एक अच्छा है, मतलब मुझे लगा ये मैं जब सीए पढ़ रहा था ना तो मेरे को तो अपने बहुत इंटरेस्ट था साइकोलॉजी पढ़ने में, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा था मतलब कि फिर मैं पता किया मैं आगे भी इस पर पढ़ूँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है नेक्स्ट हॉट केक है जो डेफिनेटली आप लोग को पढ़ना चाहिए अगर अपना कुछ करना है तो। साइकोलॉजी जिसको इंटरेस्ट है ना, जिसको लगता है कि मुझे है ना फ्यूचर में कुछ लोगों को जानना वगैरह है, मनोविज्ञान समझना है, जॉब करने वालों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली आप समझ ही सकते हैं अगर आपको अपना कुछ करना है तो एक सब्जेक्ट मिल गया एंटरप्रेन्योरशिप पे तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। और कम्युनिकेशन के ऊपर है, फिलोसॉफी के ऊपर है, ये सब कॉलेजेस में कुछ कुछ लोग पढ़े होते हैं तो ये एकदम ही ये कुछ नया ही डाल दिया है, क्या अंदर में होगा ये तो हमें नहीं पता है, बट ये भी एक मॉड्यूल आपको करना पड़ेगा। बस मैं खाली इंस्टीट्यूट से यही प्रे करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये सब आपने डाला है बट ये फॉर्मेलिटी ना हो। हम बच्चे मेहनत करने राजी हैं बट हमारे साथ अनफेयर मीन्स न लगाया जाए कि किसी एग्जाम में हम बैठ के मेहनत करके पढ़ के गए और कोई बिना मेहनत के ऐसी पास कर गया है ना, ऐसा ना हो। बस खाली मेरा यही एक निवेदन है कि आप नए चीज ला रहे हो बहुत अच्छा है एंड आई अप्रिशिएट कि इस तरह की लर्निंग हम लोग मतलब वंडर करते थे कि हम लोग को मिल जाए बट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, बस अनफेयर प्रैक्टिस ना हो है ना, जो जो मेहनत कर रहा हो उसको फल मिले, ऐसा ना हो कि कोई चोरी छुपे से पास हो जाता है, कोई मेहनत कर रहा है पास डिजर्व करता है वो फेल हो जाता है, वो ना हो। इस नए सिलेबस में बस इंस्टीट्यूट से यही निवेदन है, मैं कोशिश करूंगा अपने भी सजेशंस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने का एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी तक वर्बली रिटेन इन एवरी फॉर्म। तो ये मेरा एक मन है कि आपने नई चीज लाई बहुत अच्छा लगा है ना, बच्चे मेहनत करेंगे हम लोग भी लगे रहेंगे मेहनत करवाने के लिए, लेकिन वो अनफेयर मीन्स मत रहने दीजिएगा और यही मेरी खाली एक रहेगी। खैर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले 3 साल था अब हो गया 2 साल, लास्ट ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 9 महीना से 12 महीना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 9 से 18 महीना हो गया था अब 9 से 12 महीना है, वो लास्ट ईयर हो सकता है। और 1 साल अगर आप सीए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1 साल और आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, तो ये एक नया चीज हो गया ठीक है। और उसके बाद लीव्स वगैरह देखिए थोड़ा सा कम हो गया, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 12 महीना लास्ट 12 महीना पे कर सकते हैं, ट्रांसफर पहले भी समस्या से ही मिलता था अभी भी समस्या से ही मिलेगा, स्टाइपेंड बोल रहे डबल कर देंगे तो बहुत फर्म तो ऐसे भी डबल ही देते थे तो डबल वाले डबल करे तो बात है कि नहीं, क्योंकि पहले क्या ही था यार 1500-2000 रुपये उसमें क्या होता था, तो 1500-2000 रुपये को कोई फर्म 3000-4000 ऐसे ही देता था तो 4 का 8 हो तो बात है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल के लिए बता रहा है, वो सब में जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो मुद्दा जो है टू सम अप वो यही है कि फाउंडेशन से जाओगे तो आप क्लास 10 के बाद रजिस्टर कर लेना और उसके बाद फाउंडेशन देना, फिर इंटर 8 महीना का गैप में दे सकते हो, जैसा है वैसा ही। बस फाउंडेशन में आपको वो 4 पेपर देने जो पहले भी थे, बस नाम उसके चेंज हो गए। डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते तो कॉमर्स स्टूडेंट्स विद 55% मार्क्स चाहिए और अदर्स का 60% चाहिए, जो नियम पहले भी था, जो कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट पास किया है वो भी एग्जाम दे सकता है। इसमें एक अच्छा चीज है कि आप प्रोविजनली रजिस्टर भी कर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे 12 में भी करते हैं 10 में रजिस्टर कर सकते हो ना, वैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी आप रजिस्ट्रेशन कर लो और 8 महीना का काउंटिंग इस बहाने चालू हो जाएगा
और फिर ग्रेजुएशन का बस जब मार्कशीट आ जाए तो जीजू को सबमिट कर देना और आप एग्जाम दे देना, एडमिट कार्ड मिलने के पहले, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पहले रादर, कि आपको अपना ग्रेजुएशन का मार्क्स सबमिट करना है। तो बीकॉम का थर्ड ईयर में आप आयो, उस समय से आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। बीकॉम का थर्ड ईयर में आयो उस समय से थोड़ा सा चालू कर दो, एक दो महीना बाद से चालू कर दो पढ़ाई, और इंटर में आपको अच्छा टाइम भी मिल जाएगा। और फाउंडेशन रूट से जाने का फायदा ये होता है कि देखो आप दो साल थोड़ा सा एडवांस चलते हो, ये फाउंडेशन रूट से जाने का फायदा होता है कि आप क्लास 12 पास किए उसके तुरंत बाद ही आप मई टर्म में मान लीजिए या नवंबर टर्म में अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, नवंबर टर्म में या मई टर्म में एग्जाम दे सकते हैं, समझ गए। और उसके बाद इंटर आप कॉलेज का सेकेंड ईयर में आराम से दे सकते हो। अब अगर डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते हो तो थर्ड ईयर में तो पढ़ाई चालू करोगे, तो फोर्थ ईयर में आप इंटर का एग्जाम दोगे। तो दो साल अगर एडवांस चाहते हो तो फाउंडेशन रूट से सीए बनना पड़ता है, डायरेक्ट एंट्री रूट से दो साल आप पीछे हो जाते हो, ठीक है। और फिर 8 महीने का स्टडी करके आप स्टेप 4 में चले जाओगे, फिर स्टेप 5 में आप वापस अब इंटरमीडिएट देना है, इंटरमीडिएट में 6 पेपर देना 8 के जगह, ऑलराइट। और उसके बाद आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना है, फिर आप 2 साल का आर्टिकलशिप करोगे, फिर आर्टिकलशिप के दौरान 3 काम करना है, क्या काम करना है, 4 मॉड्यूल, और उसके बाद 1 हो गया आपका एडवांस आईटीटी, वो खत्म करने के बाद आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक इंटीग्रेटेड मैंडेटरी कोर्स ऑफ ये आप अटेंड करोगे, एंड एडवांस आईटीटी जिसको मैं बोल रहा था, एडवांस आईटीटी आपको खत्म करना पड़ेगा, एंड उसका भी सिस्टम क्या आएगा वो बदला इंस्टीट्यूट बताएगा बाद में। मे अंडरगो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, ये पहले भी होता था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मैं ऊपर में बताना ही भूल गया, पहले होता था। तो मे अंडरगो बोल रहा है, मतलब ये अभी क्लियर नहीं है कि ये होगा, कंटिन्यू होगा कि हट जाएगा, तो ये भी एक और चक्कर है कि वो भी आपको देना है। बट साइमल्टेनियसली आपको ऑनलाइन मॉड्यूल पास करना है इन दोज 2 ईयर्स ऑफ टाइम, तो उस पर आर्टिकलशिप पे भी प्रेशर रहता है, उसके साथ साथ ये 4 मॉड्यूल ही निकल जाए वही बेहतर है। उसके बाद भी अगर टाइम बच गया, हो सकता है फर्स्ट ईयर में आप ये सारा निकाल लें पढ़ पढ़ा के मेहनत करके, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा जो बाकी 6 सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करी जा सकती है, बट पहले वो 4 मॉड्यूल ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना लीव वीव ले लीजिए, 6 महीना बैठ के पूरा तैयारी करिए, और 6 महीना के बाद आप रिवीजन करके एग्जाम दीजिए। मतलब नॉर्मली क्या होगा, जैसे अगर आप 2 साल आर्टिकलशिप किए, मान लीजिए आर्टिकलशिप पे भी अच्छा से फोकस किया, बस 4 मॉड्यूल थोड़ा आराम से चलने वाला, मेरे जैसे आदमी आराम से चलेगा, तो 2 साल में मॉड्यूल पास कर लिया, आईटीटी कर लिया, और उसके बाद ऑफिस से विदा लिया, 6 महीना बैठ के 6 सब्जेक्ट की तैयारी किया, 6 महीना में 6 सब्जेक्ट कैसे होगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वी विल हैव टू वर्क आउट उस समय कितना आवर्स का कोर्सेज है, कुछ क्या अपने से पढ़ा जा सकता है, वी विल हैव टू फाइंड आउट, उसका प्लान सजाना पड़ेगा। और फिर रिमेनिंग 6 महीना रिवीजन किया, मतलब पूरा 1 साल का पीरियड मान लीजिए, उस 1 साल का पीरियड से जाके फिर एग्जाम दे लीजिए आप। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान हो रहा है। बाद में और इस पे जब तक सिलेबस का ढांचा अंदर का ना पता चले कि उसमें क्या बढ़ गया घट गया, कितना आवर्स का कोर्स बन जाता है, उसके बियॉन्ड मैं आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली अभी 250 घंटे में सीए फाइनल की 1 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती है, तो 250 × 6 करते हैं तो 1500 घंटा, 1500 घंटा में रोज 10 घंटा करके पढ़ेंगे तो 150 दिन लगेगा, तो 6 महीना में ट्यूशन अभी आराम से हो सकता है आज का स्टेटस के हिसाब से। और फिर 6 महीना उसका रिविजन करिए, आराम से उसको प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार रिविजन तो मिनिमम करना पड़ेगा ना, उसके बाद एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाइए। उस लॉजिक से मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ओपन बुक है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं है वो पता नहीं चल पा रहा है कि 6 सब्जेक्ट को हम 6 महीना में पढ़ सकते हैं कि 3 महीना में पढ़ सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। और फिर अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल कितना है, उसमें वो पहला साल में ही सारा खत्म हो सकता है, दूसरा साल में हम सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो आप लोगों के जो नॉर्मल सवाल हैं वो सवाल का जवाब मैं दे देता हूं आपको। तो मैं आपको बता देता हूं कि
हम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप लोग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फाइनल स्टूडेंट्स को ही टेंशन आना है कि सर मेरा एग्ज़ाम तो 24 में है, 25 में है, तो मैं क्या करूँ, ओल्ड में पढ़ूँ कि न्यू में स्विच करने के लिए वेट करूँ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है 2017 में जब सिलेबस चेंज हुआ था ना, तो बच्चों ने क्या हुआ था ना कि सिलेबस चेंज का अनाउंसमेंट सुनते ही रातों रात बस पढ़ाई छोड़ दी और अपना साल भर खराब कर दिया। अब तो हम न्यू में ही पढ़ेंगे, न्यू का ज्यादा इज्जत होगा, पुराना को जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे कोई एक मिथ फैल गया। हमने बहुतों को समझाया कि अरे भाई मैं पुराना सीओ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही क्या, तुम नए सीओ को तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो पुराने सीएस हैं उनके कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है वो भी तो पुराने सिलेबस के सीए हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, नए में ज्यादा इज्जत है, ऐसा कहां से हो गया। बच्चों ने लिटरली अचानक अचानक से क्लासेस जाना बंद कर दिया। अब हम तो नए में जाएंगे, अब नए के जहां जहां क्लासेस होंगी वापस से नए की क्लासेस लेंगे और फिर पढ़ेंगे। क्या मतलब समय बर्बाद किया अपना, कईयों ने 6 महीना साल भर 1.5 साल खराब कर दिया। सो पैनिक में नहीं आना आपको। तो आपको मैं अपना जो एनालिसिस है वो बता देता हूँ कि देखिए ये सिलेबस का अभी प्रपोजल आया, अभी इसके ऊपर स्टडी मटेरियल बनेगा, फिर इसका डिटेल्ड सिलेबस, पहले डिटेल्ड सिलेबस बनेगा, फिर स्टडी मटेरियल्स बनेंगे, फिर एग्ज़ाम मोड क्या होगा, मंथ्स वैसा ही रहेगा कि 3 बार आएगा, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है। ये इतना घमासान काम है इसमें कि इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 years, इट विल टेक। तो वो वन एंड हाफ ईयर्स को आज के डेट से पकड़ा जाए तो मुझे लगता है नवंबर 23 से ये स्टार्ट हो सकता है। इसका पहला एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा वो मुझे लगता है मई या नवंबर 24 में कंडक्ट किया जाना चाहिए, ये मेरा इंट्यूशन कहता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रोसेस, क्योंकि बीच में ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसके भी प्रोसेस सेट करने पड़ेंगे इनको, तो इट विल टेक टाइम। तो पहला एग्जाम मई या नवंबर 24 में होगा। सो दिस मीन्स दैट सजेशन इज जिन स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम मई 24 में आ रहा है उनके लिए तो माथा लगाने का बनता ही नहीं। आपके लिए आगे से इसके कोई भी नोटिफिकेशन कोई काम के नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आज तो आपने कर लिया बट आगे मत करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ऐसे ही टाइम लिमिटेड है आपके पास, मई 24 तक एकदम ओल्ड में बने रहो, माथा ही नहीं लगाओ, न्यू आ रहा है भाई बाकी लोग को बात करने दो, एकदम फ्री हो तो समझ लेना खाली नॉलेज पर्पज के लिए, बट आप ओल्ड में एग्जाम देके निकल जाओ। न्यू में क्या चक्कर है ना, अभी कॉम्प्लेक्सिटीज क्लियर नहीं है कि न्यू में जाने से इजी होगा कि नहीं होगा। आप ये मत सोचना इज्जत ज्यादा होगी न्यू की, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज का भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीए बनेंगे कि नहीं, कितना आसानी से बनेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। सारे ओपन बुक एग्जाम्स हैं तो वो इतना आसान नहीं होने वाला है कि बस बुक से देख देख के कॉपी करना है। फिर भी मैंने एक एनालिसिस बनाया कि जो बच्चे मई 22 में अभी इंटर पास करेंगे उनका टाइमलाइन क्या है, कि आने वाला 6 महीना तो ओरिएंटेशन आर्टिकलशिप सर्च करने में सेट होने में जाएगा, उसके बाद आपको SFM चालू करना चाहिए, FR चालू करना चाहिए, और उसके बाद ये जो ब्लू मार्किंग किया है उस पीरियड में डिसीजन ले लिया जाएगा कि ओल्ड से न्यू में स्विच कैसे किया जा सकता है, ये डिसीजन पीरियड है, फर्दर अनाउंसमेंट आने दीजिए तब पता चलेगा। तो तब तक वही 2 सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका ओल्ड न्यू में कॉमन है, ठीक है। अब अगर ये 2 के बाद आप मान लीजिए 3rd में जा रहे तब तक वो क्लियर हो जाएगा कि ना कि आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि ओल्ड में तो हम लोग को ट्रेंड पता है, न्यू में ओपन बुक का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, 30% MCQ विद नेगेटिव मार्क का क्या सिचुएशन है, 4 ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसको कैसे पढ़ना है, उसमें भी 50% पास मार्क है, देखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट, विल वेट। तो तब तक आप कंटिन्यू करिए SFM और FR, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे ऐसा हो सकता है, या कुछ हट जाएंगे ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए वरी नहीं करना है, कुछ उपाय नहीं है उसका, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा तो YouTube से कोई ना कोई सर जिससे भी आप पढ़ रहे हो उनका मिल ही जाएगा, उसका आप चिंता मत करो। जिनका एग्जाम नवंबर 21 या डिसंबर 21 वाले में हुआ है उनका एग्जाम नवंबर 24 फाइनल ड्यू पड़ता है, तो पहला 6 महीना तो आर्टिकलशिप अपने आप में सेट कर लिए, फिर SFM FR वो पढ़ रहे हैं आइडियली। तो एक बार आप ये मई 23 तक का पीरियड आने दीजिए, फिर डिसाइड कर लेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू,
करना है कि क्या करना है। मई 23 के पहले पहले एक बार डिसाइड कर लेंगे, तो अभी टाइम है, आप अपना फोकस करिए SFM और FR के साथ, फिर वी विल डिसाइड। ऑल राइट, सो दिस इज वॉट माई सजेशन लाइज फॉर यू एंड फॉर रेस्ट। आई विल रिकमेंड, अगर आपका एग्जाम 24 तक है तो माथा ही मत मारो, ठीक है। और फर्दर इंस्टीट्यूट को लेके आने दो ना, और नोटिफिकेशन फिर बात करेंगे। आपके और कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए, झूठ मूठ का समय बर्बाद ना करिए। देखिए समय बहुत बलवान है, क्यों अपने CA की कमाई को आप छोड़ोगे ओल्ड से न्यू के कन्फ्यूजन में। और कोई ऐसा नहीं कि न्यू बहुत आसान दिख रहा है, ठीक है, न्यू बहुत आसान दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। और इंटर वालों के लिए तो जब इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा तभी सोचा जाएगा ना, फाउंडेशन वालों के लिए जब लॉन्च करेगा तभी सोचा जाएगा, अभी तो मतलब ही नहीं बन रहा है। उनको तो ओल्ड में ही अपना माथा लगाना है, उनके लिए कुछ अभी आगे का अनाउंसमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। 2024 में फाउंडेशन वाले इंटर वाले माथा लगाइएगा 2024 में, बाकी लोग अभी माथा ही मत मारिए, ठीक है। तो बेसिक बात ये है कि हम लोग को वीडियोस बनाने दीजिए, ओल्ड वाले हैं तो आप कंटिन्यू करिए, खाली नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो सुन लीजिए। खाली मेन चक्कर है जो इनका एग्जाम में 22 में इंटर क्लियर होगा और नवंबर 21 में जिसका इंटर क्लियर हुआ है, उनको एक डिसीजन लेना है कि हमको स्विच मारना है कि नहीं मारना है। तो उनको थोड़ा सा नज़र रखना है वीडियोज़ पे, और बाकी आप अपना चलाते रहिए गाड़ी जैसे चल रहा है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, है ना, आपको हेल्प करेंगे। ऑल राइट, फर्दर वीडियोज़ का इंतज़ार करिएगा, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।